पार्टिसिपेट कर रही है साहब, थोड़ा ध्यान से देखना, ह्यूमरस रेडियस का समझ में आ रहा क्या कह रहा है। तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है साहब, यही वाला हिस्सा क्या है, एल्बो है, एल्बो। और एल्बो के अंदर कौन से ज्वाइंट होती है, हिंज ज्वाइंट। हिंज का मतलब जो केवल एक डायरेक्शन में खुलेगी। ये हाथ है आपका, इधर करो, देखो इधर, इधर करो हाथ फिर ऐसे हाथ करो, और हाथ को खोलो इस हाथ को, इधर खुलेगा, पीछे खोल दो हाथ टूट जाएगी। कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। दरवाजा आपका क्या होता है, हिंज ज्वाइंट, एक डायरेक्शन में खुलेगा। उस पल्ले पड़ रहे हैं क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे एल्बो में कौन सी ज्वाइंट होती है, हिंज, हिंज ज्वाइंट। ज्वाइंट अलग से टॉपिक ही है, लेकिन यही पे याद हो जाए तो अच्छी बात। ठीक, चलिए एक पॉइंट और सुनना, ये आपकी रेडियस रही, थोड़ा फील करना इस चीज को, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक, ये रेडियस है, ये दिख रहा है ना, इधर वाला रेडियस, और ये वाली कौन सी बोन है, अल्ना है। इस रेडियस को ऐसे घुमा, ऐसा हाथ को इधर घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घूम रहा है, रेडियस आ रही है, रेडियस आ रही है साहब, देखना थोड़ा ध्यान से, इधर देखो रेडियस आ रही है, समझ में आ रहा है भैया कह रहा। तो रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट ज्वाइंट होता है। देखो रेडियस ऐसे आ रही है, ऐसे पहले फील करो एक बार, ये रहा हाथ, ऐसे करो, पीठ मांगो, ऐसे ही घुमाते हो पीठ, अब ऐसे करो, इधर देखो, इसको ऐसे घुमाओ, आशीर्वाद को दिख रहा है आपको, रेडियस फील कैसे होगा आपको साहब, हड्डी ले लेना, स्केलेटन लेके फील करना, ऐसे घूम के रेडियस आती है। यहां पे जो ज्वाइंट है, यहां पे जो ज्वाइंट आपको दिख रहा है साहब, यहां पे जो ज्वाइंट आपको दिख रहा है, कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवेट ज्वाइंट। किसके किसके बीच में आपको दिख रहा है, रेडियस और अल्ना। अच्छा, मैंने आपको 8+ एक्सिस पढ़ाया था।